एक लड़की होकर लड़की कैसे कर रहे वीडियो, अच्छी बात नहीं ना। हम लोग मीडिया से हैं, हम भी आप देखने वाला कौन छोड़ी छोड़ी आप हमको अच्छा तरीका। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। इस युवती को देखिए, फोन पर चैटिंग करते करते प्यार हो जाता है, और जब प्यार सक्सेस नहीं होता है तो फिर किसी चौराहे पर इस तरीके से हल्ला करना पड़ता है। उन युवक और युवतियों को कहना चाहेंगे जो फोन पर ही प्यार कर लेते हैं और उसका नतीजा यह लड़की जो कर रही है वही होता है। इसलिए बच्चों से कहेंगे कि प्यार व्यवहार, यार ठीक है प्यार करना, हम कहीं से गलत नहीं कहते हैं, लेकिन प्यार सोच समझ के कीजिए ना। प्यार करने का मतलब यही थोड़ी है कि बाद में धोखा मिले और इस तरीके से चौक चौराहे पर आप हल्ला करते हैं। मामला है, तेजा टोला की निवासी बता रही है अपने आप को कि यह लड़की है और इसको प्यार में धोखा मिला है। देखिए किस प्रकार से ये चिल्ला रही है, देखिए इस वीडियो। मेरा हाथ पकड़ के रूम में बंद करवा दिया हमको, लड़का लड़की के साथ हमको रूम में। पहले वो बोला क्या कि हम तुम्हारा नंबर ब्लॉक करते हैं, आपसे तुम्हारा संबंध खत्म। दशरथ सहनी, मेरा बाप 70,000 महीना कमाता है, मेरा पूरा फैमिली में स्टेटस है, पूरा फैमिली में स्टेटस है मेरा। तुम कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरा मोहल्ला में उस पुलिया, फिर भी वो बोला हम गाड़ी पे पुलिस लिख के, क्योंकि मेरा भाई दरोगा है, मेरा बहनोई आरपीएफ दरोगा है, ताकि रास्ता में पुलिस वाला भी हमको देख के डर जाता है, हेलमेट नहीं लगा के जाते हैं, चार्ज नहीं लेता है। कितना दिन से ऐसा हो रहा है? कितना दिन से? बहुत दिन से। रात में वीडियो कॉल कर करके हमको परेशान करता था, वीडियो कॉल कर, तुम मेरा मौगी है। क्या नंबर है उसका? फोन नंबर 9534476868। आज बोलता है, एक नंबर और है उसका 6204558426। और हम पूरा समाज से कहना चाहते हैं, अगर हम मरे तो उसका जिम्मेदार दशरथ सहनी। आप चाहते क्या है, होगा करना चाहते हैं? वो जब मौगी बोला भैया, जब मौगी बोला, मौगी मौगी कह करके क्या किसी का भी घर का बेटी के इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ कर देगा? आने से इनकार कर रहा है आपको। हाँ, थाना में दिए ये रिपोर्ट है सीमा मिश्रा का। ये इसमें लिखा हुआ है कि मेरा पेट में स्टोन है, और इसमें हाथ में रिपोर्ट। अरे रिपोर्ट दीजिए। दशरथ सहनी भागीरथ सहनी का भाई दरोगा, पैसा खत्म पे। पहले मौगी मौगी बोल करके, मौगी मौगी बोल करके मेरा आश्वासन किया, नरेन उद्यान पार्क लेके जाता था कोड़ा कार पे बैठा करके, वहाँ भी धंधा चलता है। और वो इतना चालाक, इतना सरपेश जब बोले कि मेरा सहारा बनिए, मेरा साथ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, आपके साथ पूरा बात बताइए। फिर क्या हुआ? फिर वो बोला मेरा 18 लाख हमको जो देश देगा उससे हम शादी करेंगे। कौन बोला ये बात? दशरथ सहनी। फिर क्या हुआ? तो हम बोले, जब आप हमसे बात कर रहे थे तब आप नहीं देखे कि हम क्या, हम गरीब आदमी का बेटी है, मेरा बाप बीमार रहता है, हम खुद प्राइवेट धंधा करके कर गुजारा करते हैं, सारा बात आप जाने ना। आप उनको कैसे जानते थे? उनको जानते थे हम, उनको जानते थे, फोन लगा रहे थे कहीं पिछले साल। थाना में कंप्लेन की है इस मामला में? थाना में हम सहायक थाना गए, बोला क्या रिपोर्ट है उसका भाई दरोगा है। रिपोर्ट नहीं लिखा? नहीं लिखा। अभी कहाँ उसका घर गए थे? हाँ घर गए। कहाँ घर? उसका घर यहाँ फील्ड के बगल में है। एसपी के पास इस बात को लेकर शिकायत नहीं किए अभी तक? एसपी साहब के पास गए थे? हाँ, उसकी भाभी मेरा हाथ मुचारी, उसकी भाभी मेरा सम्मान दी। अच्छा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। मुलाकात कैसे हुआ था एक दूसरे से? क्या नाम है? उसकी भाभी मेरा सम्मान दी, बोली बैठिए आपके साथ इंसाफ होगा। अरे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुचित्रा कुमारी तेजा टोला। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम कहीं का इज्जत नहीं जोड़ा
बात सुनिए। पहले वो हमको बोलता था क्या, बोले देखिए हमसे दोस्ती ये है ना।